आपके लाइन है वो सर छ भी ना मैं इसका बेर बेचनिया था ने वो तो चाहे खूब बेचो इसका तो छोटी सी कह शुरू खूब हो जा। प्राकृतिक जीव भी जीना बहुत जरूरी है, हम भी एक जीव हैं वो भी जीव हैं। पेड़ पौने 2 लाख रुपए की उस सीजन पे जाएगा, लेकिन देख रेख है इसकी, देख रेख नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। तो राम राम सार किसान भाइयों, एक बार एक और फार्म की वीडियो दर्शा में लेके आया। हाँ, जो एप्पल बेर और थाई बेर जानते हैं वो की एक बाग का अंदर पूछे यहाँ पा। और फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पर एक बार फिर से आपको स्वागत है। अतरा ही अलग अलग फार्मा की तार खतर वीडियो लेके जरूर आऊंगा। टाइम टू टाइम तम बताओ अंतर संपर्क कराऊंगा तारी कौन सी जगह तार फार्म है। तो थाई एप्पल के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, कौन सी जगह है वो झाड़ी को बाग है, कौन सी कितना का बेर लागे हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बना रही हो। तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो जतरा ओबरा डानी माँ बाप पूछा, हाँ भाई साहब तो पूरी जानकारी लेंगा, यो कितने बीघा बाग है तो एक बार बताओ कितने बीघा में यो बाग है झाड़ी को। भाई जी 1 एकड़ में बाग है ये, और लगभग कितनी झाड़ी है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में इसमें 300 350 झाड़ी है भाई जी, बाकी इसकी पैदावार जबरदस्त है। और और एक झाड़ी का जतरा बात करा कितना किलो तक बेर लग जाए। एक झाड़ी के 1 कुंटल से 50 से 1 कुंटल के बीच की पैदावार है भाई जी इसकी। और कौन सी जगह थी ये झाड़ी लेके आया था तुम्हें। ये थाई एप्पल है जी, ये ताइवान की वैरायटी है इसका। मान लो हम तो इसको ऑर्गेनिक तैयार करते हैं, बाकी इसका एक बेर का लमसम वजन 100 ग्राम से 150 और 50 ग्राम के बीच रहता है। और कितना टाइम हो गया झाड़ी के बाग में लगाया। इसको लमसम मान लो अब 7वीं साल चल रही है इस टाइम पे। कितने टाइम बाद एक छोटी झाड़ी बड्डी होगी, कितने टाइम बाद में फल देना चालू कर एक दिया। एक साल में तैयार हो जाती है जी। जी बात करा कितने टाइम बाद में छोटी झाड़ी बड्डी होगी बेर लगाना चालू हो गया। यहाँ पे लाइन है वो सर छ भी ना मैं इसका बेर बेचनिया था ने वो तो चाहे खूब बेचो इसका तो छोटी सी कह शुरू खूब हो जा एप्पल बेर से और बढ़िया जोरदार पैदा से। कितना किलो एक झाड़ी का बेर लाए जाए भाई बात अन्न छोरा ने बेरा दे मन बेरो को नहीं कितना ये तोड़े से ये जाते से और बेर पैदावार खूब बढ़िया से खाण में के स्वाद है को। खूब तेरे सेब खाओ से उस 21 से टाबर जतरा राज्य हो गए तो राज्य हो कि बड़ा टाबर दूसरी आऊंगा अग भाई बेर ता मी दो। और बात करा लगभग रंग की कौन सा रंग है ये, और लाल भी हो या ऐसा ही रहे ना पीला होगा और साइज क्यों कोडेड हो जाए शायद 200 ग्राम तक चढ़ जाए। लाभ की बात करा कितनों के लाभ हो जाए। लाभ खूब जोरदार से खूब महीने की बात करें या सीजन की बात करा कितनों के फायदे हो जाए। वो थोड़ा बुद्ध ये करें से और ये बेचते से ये करें से हमने बेरो सीजन बात करा भाई साहब। कौन सी बीमारियां हुई हैं इसमें। एक जी फल छेदक मक्खी आती है जो कि सितंबर के महीने में जब फ्रूटिंग उठाता है जब फल को उठाता है उस टाइम पे तो उसके तो हम तो डिब्बे लगाते हैं ऑर्गेनिक जो कि मक्खी उसी के अंदर जाती है वो कैप्सूल आता है और हम इसमें स्प्रे नहीं करते। पहली बात ये हमारा बेर काना भी मिलता है लमसम मान लो 20% हमारा काना यूँ हो जाता है कि सारे मक्खी जो है डिब्बे के अंदर नहीं जा पाती है। जो डायरेक्ट अटैक कर जाती है तो वो अटैक कर जाती है, लार्वा छोड़ती है वो काना हो जाता है। बाकी हमें ऑर्गेनिक करना है, स्प्रे कोई लगाते नहीं है। अगर कोई नहीं मानता है तो भाई तू रिसर्च करा ले तेरे को मालूम पड़ जाएगी इसमें स्प्रे है या नहीं, वो तो अलग से ही सिस्टम मालूम पड़ जाता है। एक झाड़ी कितनों एरियो घेर लिया है। एक झाड़ी लमसम मान लो अब तो हमारी तो ये नजदीक लगी हुई है, बाकी एरिया घेरती है 10 फीट का दोनों तरफ से। कटाई कौन सा टाइम करो। कटाई इसकी हम करते हैं माल मार्च अप्रैल मई के लास्ट में करते हैं या अप्रैल के लास्ट में करते हैं, मतलब बीच में कर देते हैं 15 और मई अप्रैल और मई के बीच में कर देते हैं। और जतरा ये नाम कौन से साल में एक बार बेर लागे या दो बार। बेर एक बार ही लागते हैं भाई जी साल में, मई में फल आना चालू हो। फल आना ये सितंबर में उठा देती है फ्रूटिंग मान लो, ऐसे उठाने को अगस्त से नंबर हो जाता है इसका। कितना टाइम बाद में फल पक के तैयार हो जाए। इसका 2 महीने में हो जाता है, नवंबर दिसंबर में चालू हो जाती है ये, दिसंबर के मान लो आधे में 15 दिसंबर के लमसम स्टार्ट हो जाती है। अगर बढ़िया देखभाल कर रहा है किसान तो दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट में। एक झाड़ी का लगभग कितना किलो बेर लाए थे। एक झाड़ी के भाई 1 कुंटल से 2 कुंटल तक की इसकी म्याद होती है, बाकी 50 किलो 40 किलो का एवरेज देती है अगर ज्यादा झाड़ी है तो, अगर कम झाड़ी है तो 1 कुंटल 1.5 कुंटल भी उतारता है ये। तोड़ो के हिसाब से कितनी किलो बेर लाई जाए।
लेबर तो जी वो तो अपना जिस तरह सिस्टम है, आपको 2 क्विंटल तोड़वाना है, 10 क्विंटल तोड़वाना है, वो तो अपने हिसाब से। अगर आप खुद फार्मिंग कर रहे हो जैसे हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो वो तो हम जितना हमें जरूरत है उसी हिसाब से तोड़ते हैं। बाकी आपको वैसे जितना 2 क्विंटल तोड़ना है, 10 क्विंटल तोड़ना है, तो वो आपकी चॉइस है। लेबर इतनी कोई किसान भाई डायरेक्ट आपसे संपर्क करना चाहो, उठाना चाहो, तो उस हिसाब से तमियों की मात्रा अनुसार तोड़ के देते हो? हाँ जी बिल्कुल दे दें। सेलिंग की बात करा कई हिसाब से मार्केट में बेचो? मार्केट में देखो जी इसका रेट तो इस टाइम तो अभी 50 रुपए चल रहा है, बाकी थोक का दाम 28-30 रुपए चल रहा है। रोड के पास में बेचो या फिर मार्केट में? मंडी मार्केटिंग भी करें और मंडी में भी, जहाँ भी बेचे अपनी, जब ज्यादा तैयार हो जाता है तो फिर मंडी बेचते हैं। उम्र की बात करा लगभग कितनी उम्र हो है एक झाड़ी की? एक झाड़ी की उम्र अगर आपका पानी और जमीन बढ़िया है तो इसकी कम से कम लमसम 100 साल की उम्र होती है, 100 साल से पहले खत्म नहीं होती। और खत्म होने का तो इसका सिस्टम यही है कि आपकी 3 पीढ़ी भी बदल जाए जब भी ये खत्म नहीं होती। एक तरीका आपका तक गए हो बिजनेस चालन की है, नो कोनी की रुक जाए वो नहीं साल दे दियो, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो एक मान के चलो प्राकृतिक देन है। इस बेर की खासियत क्या है? बेर की खासियत ये है, थाई ये फल है ये। पहली बात इसकी खासियत ये है कि सेब खाओगे और बेर को खाओगे। इस टाइम जो जानकार हैं, जो डॉक्टर हैं, वो सेब नहीं खाएंगे, वो बेर ले जाएंगे। उनको पता है 200 रुपए किलो सेब क्यों ले रहे हैं, उससे ज्यादा इसके अंदर विटामिन उनको मिल रही है। इसकी खासियत ये है, खाओगे मान लो बूढ़ा हो जवान हो, अभी तो ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, 10 दिन के बीच में तैयार हो जाएगा, कोई भी खा सकता है। जिसके मुंह में दांत नहीं है वो भी खा सकता है, बच्चा भी खा सकता है। पहली खासियत ये होती है। और मिठास जबरदस्त होता है इसके अंदर अगर रासायनिक है तो, रासायनिक नहीं है तो, अगर ऑर्गेनिक है तो, अगर ऑर्गेनिक है तो इसका रेट आप भी खाओगे या कोई भी आए, मान लो बेर लेगा नहीं तो लेके जाने पड़ेंगे उसको। और जतरा लाभ की बात करा, सीजन के टाइम में कितनों के लाभ हो जाए? लाभ तो देखो जी अपने करने के ऊपर बात है, लाख की भी बैठ जाए, 1.5 की भी बैठ जाए, 2 की भी बैठ जाए और ऊपर वाले की मार हो जाए तो भाई कुछ भी ना रहे। मार ऊपर वाले क्या क्या उसके? मार ऊपर वाले की यह बर्फ पड़ती है उस टाइम पे, अगर आपने देखभाल ना की तो बेर मान लो खत्म हो जाती है। बेरी क्या बर्फ से मान लो सारा काम ही खत्म हो जाता है लमसम में, मान लो इसमें भी 20% अब इस टाइम फर्क है, बाकी और काफी बेरी खत्म हो चुकी है बर्फ के कारण। जाल भी जितना लगाए जो है एका के फायदा है? फायदा इसका मान लो चिड़िया है तोता है, उससे अपना आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओगे, तोते नहीं आएंगे बस, अगर तोते आएंगे तो नुकसान ज्यादा हो जाता है। छोटी चिड़िया भी घुसती होगी? छोटी चिड़िया घुस जाती है, उससे कोई लॉस नहीं होता, वो इतना बेर नुकसान नहीं करती है। वो तो मान लो अगर सारा ही अगर बंद कर देंगे तो प्राकृतिक जीव हैं वो भी तो जिएंगे। मान लो तोता ज्यादा नुकसान करता है तो उसका ये इंतजाम है, चिड़िया मान लो इतना नुकसान नहीं करती, वो आपका 10% नुकसान करती है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि प्राकृतिक जीव भी जीना बहुत जरूरी है, हम भी एक जीव है वो भी जीव है। क्या बहुत एक अच्छी बात कही जितरा भाई साहब कि प्रकृति का जो जीव है वह भी जीना जरूरी है, और चिड़िया इतना नुकसान करे तोता जितना ज्यादा नुकसान करे हैं, क्योंकि तोता एक खागो तो ज्यादा नुकसान करेगा और चिड़िया खागी इतना नुकसान कौन करेगा, बस एक आध दो फल खा लेगी और ज्यादा नुकसान कौन करे। और जितना कोई अपना किसान भैयान कोई एप्पल बेर था, एप्पल बेर के बारे में, झाड़ी के बाग के बारे में अपना किसान भैयान कोई जानकारी देना चाहो? हम तो ये जानकारी देते हैं भाई जी, बाग लगा के उसकी देखरेख बढ़िया करें, आपको पैदा अगर बढ़िया मिलेगी देखरेख बढ़िया करोगे। अगर लगा दिया उसकी तरफ आपने पानी नहीं दिया, सब टाइम से उसका देखभाल नहीं की, तो वो आपको पैदा क्या देगा। अब ये भी बाग है 1.25 किले में, इस टाइम मान लो 1.5-2 लाख रुपए की उस सीजन पे जाएगा, लेकिन देखरेख है इसकी, देखरेख नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं होगा। जितना बड़ा था एप्पल के झाड़ी के बाग में पूछा एक बार मार, तो उसकी उतनी जानकारी हम तारता ही पूछा उनकी कोशिश करिए, फिर भी अगर मार को जानकारी कमी रह गई हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और फार्मिंग ज्योग्राफी का चैनल के ऊपर अगर तम भी तार खुद की वीडियो बनवाना चाहो, कोई फार्म की या कोई बाग की या और तरह की ऑर्गेनिक खेती कर रखी है तमी, तो मार संपर्क करके जरूर बताइयो। और फार्मिंग ज्योग्राफी चैनल पर बने रहने खातिर धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई जी।